सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के मोहरा हसरई जोहरिया मसूरखाई सिमरा कला तथा टेहरा टेहरी पहुंची विकास यात्रा, जहां हीरा सिंह राजपूत ने विकास यात्रा में पहुंचकर क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह विकास यात्रा भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि इस यात्रा के माध्यम से शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं से लोगों को जोड़ा जाए ताकि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। राजपूत ने कहा कि इससे पहले जनसेवा शिविर के माध्यम से सैकड़ों लोगों के काम हो चुके हैं। कई स्थानों पर विकास यात्रा में ऐसे भी गांव आ रहे हैं जहां सभी ग्रामवासियों की समस्याओं का हल हो चुका है। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य को लेकर काम करती है, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। भाजपा सरकार द्वारा निराश्रित पेंशन के माध्यम से सैकड़ों वृद्धजनों का जीवन सुखमय किया, किसान सम्मान निधि के माध्यम से अन्नदाता को सम्मान दिया, तो वहीं हर गरीब का पक्का मकान बनाने का सपना भाजपा सरकार पूरा कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान अब कम ही नजर आते हैं। भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं से हर नागरिक प्रसन्न है और लगातार प्रगति कर रहा है। भाजपा सरकार ने आमजन का जीवन सरल बना दिया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने विभिन्न स्थानों पर भूमि पूजन तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश कराया तथा लाडली लक्ष्मी योजना संबल योजना के तहत 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की। इस अवसर पर जिला पंचायत प्रतिनिधि प्रमोद पटेल, सरपंच जगदीश साहू, अशोक सिंह, सुरेंद्र उपाध्याय हसरई, बद्री प्रसाद शुक्ला, शोभा राम पटेल, रणवीर सिंह ठाकुर सहित सैकड़ों ग्रामवासी उपस्थित रहे। चंद्र की जय। भगवान बजरंग बली के दरबार के सामने आपने दोनों हाथ उठाकर गोविंद राजपूत को आशीर्वाद दिया है। आपका यह शान हम अपनी गांठ बांध के ले जा रहे, दिल में सजा के रखना। वो गाना नहीं है कि दिल में बसा के रखना। तो हम जोहरिया वालों को दिल में बसा के वो पलकों में छुपा के रखेंगे। जय जय श्री राम। और कोई बात तो नहीं करने माजमान। अब निर्णय हो चुका है, सुन ले सब लोग। अभी तो हम बिटिया को दे रहे 1,45,000 और अगर बेटी हमारी पढ़ने जाएगी 12वीं के बाद, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार गोविंद सिंह से लेकर शिवराज सिंह की सरकार उसको 25,000 रुपए अलग से देंगे पढ़ाई। और अब तो इस हफ्ते तय किया है पूरे मंत्रिमंडल में, गोविंद सिंह हो, भार्गव जी हो, सब मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, हम लोगों ने कहा कि साहब देखो गांव में आप भैया हैं जितने बैठे हमारे, उनको 6,000 दे रहे फ्री को, प्रधानमंत्री जी खाते में डाल रहे, 4,000 मुख्यमंत्री दे रहे, कितना हो गए 10,000 अपने आप खाते में आ रहो। पर हमारी जो मात्र शक्ति बहने घर में बैठी उनको भी कुछ दीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने निर्णय ले लिया है कि 8 मार्च आज से 1 माह बाद सर्वे में नाम जोड़े जाएंगे और एक एक घर की बहना लाडली बहना होगी। लाडली बहना बजाओ ताली से। हर गांव की, हर घर की बहन, बुआ, काकी, जिज्जी, मम्मी, नानी, दादी, इनको मिलेंगे 1,000 रुपया महीना। तो इन्हें मिले साल के 12,000 और तुम्हें मिले 10,000। तो महिलाओं को हाथ ऊंचा रहोगे नहीं रहो बताओ, बोलो बहन जी। हमें जोर से बोलो, बहुत अच्छी बात करी भैया जा, बोलो जरा जोर से, सही करोगे नहीं करो? इतने तुम बनना गाटी दूल्हा हो तो बनना गान लगते। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक एक व्यक्ति के लिए आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो, यही तो बात हर जगह करने हैं। गांव में घर में जब कोई बीमार होता था तो रिश्तेदार आते थे गांव को, साहूकार आ तो सेठ महाजन आते थे, लम्बड़दार आते थे, कहते भैया जमीन लिख दो हम तुम्हें 5,000 दे रहे। 50 परिवार ने बीमारी में दद्दा नाना बब्बा जा तो रहे बेचारे, पर आशा लगी कि शायद ये ठीक हो जाए। तो जाते जाते 2 एकड़ और हमने दयु साहूकार ने लिखवा लो कि लिख दो तुम तो रुपया।
हमारी सरकार ने कहा नहीं, हमारे गरीब को हम 5 लाख तक देंगे एक साल में, उससे दवाई करवाओ। 1 लाख लगे, 2 लाख लगे, आप कल्पना करिए, कल्पना। ऐसी सरकार कभी पूरे संसार में सरकार नहीं, ऐसी पूरे संसार, घर बैठे बैठे पूरा गल्ला फ्री। अच्छा बताओ जरा, भाजपा के पहले कहूं गेहूं लिया के हर गांव को डामल रोड से जोड़ा जाए, हमने आपका रोड पहले बनवा दिया था जब हम कांग्रेस के विधायक थे। पर डामल रोड कब बना? जब अटल बिहारी वाजपेयी का लिया गया निर्णय साकार हुआ। अगर अटल बिहारी वाजपेयी ना होते तो जोहरिया, हसरई ऐसे कई गांव डामल रोड से शामिल नहीं हो पाते। बात सही है कि नहीं है? बोलो भाई, जोर से बोलो। सही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के बनाए जाएं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्णय था। अभी हम सुनो भाई, अपने गांव में प्रधानमंत्री आवास बने कुछ? बने है ना। कितने बन गए? प्रधानमंत्री आवास टोटल तो हैंगे, मतलब 6-7 बने हैं। 7-8 बन गए। हाँ, पंचायत बन गए 499। अपने यहाँ हालांकि ये संपन्न गांव है, फिर भी ढूंढ ढूंढ के जोड़ देना, जोड़ देना सब। और बचे हो तो और जोड़ देना, बना है तो बाजू में बना देना। छोटे भैया की बहू आ सकती है, मौड़ा की बहू आ सकती है, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आदेश। अगर नरेंद्र मोदी ना होते प्रधानमंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री आवास गांव में आती? नहीं आती। 499 बन गए पंचायत में। अब तुमको हम आगे बने 12 पंचायत की बात कर, एक एक बना है। ये हम वो बता रहे कि जे बने सो या सो कर रहे। पहले इंदिरा आवास आती थी एक, पूरी पंचायत में एक या दो। तो सरपंच साहब अपने सारे को, कहीं सारी को, कहीं हरवाओं को नाम बना के चुपचाप गेम खेल देते। अब हम छुट्टी दे रहे कि बनवा भाई जितनी बनना हो। 1.5 लाख रुपया मिलना कोई मजाक है क्या? आपका सगा रिश्तेदार, सगा समधी, सगा दमान, सगा बेटा भी नहीं दे 1.5 लाख रुपया उधार। एक एक घर में शौचालय, फ्री शौचालय। हमारी बेटी होती है, कन्या पूजन किया हमने 17 लोगों का। ये हमारी लक्ष्मी है, ये हमारी घर की संपत्ति है, ये आने वाले भविष्य को मात्र शक्ति बनने वाली। इसका पूजन कभी नहीं हुआ, इसका पूजन किया शिवराज सिंह चौहान ने कि हमारी बेटी जब घर में आएगी तो हम 1 लाख की जगह 1,44,000 नगद देंगे उस बिटिया को, कि ताकि उसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी अच्छी बात का, हम तो गांव की तरह बारी आए। अगर 5 कुरैया चाहिए सावन भाद में तो बंडा पटाना पड़त। तो माइया कहा तो माइया। ऐसा युग आ गया है कि खाने को फ्री, रहने को फ्री, दवाई फ्री, बच्चों की पढ़ाई फ्री, साइकिल फ्री, ड्रेस फ्री, किताबें फ्री। बच्चा पेट में आए तो 5,000 से लेके 15,000 फ्री। अगर ऊपर जाने की बेर आ जाए तो उसमें भी टना टन 2 लाख से लेके 4 लाख। अब जाना तो सबको, तुम्हें जाने, हमें जाने, अब कौन को नंबर पहने लग जाए बात हो पे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सरकार ने निर्णय लिया कि हीरा सिंह तुम नहीं, पूरे विधायक, मंत्री, अधिकारी, पूरे हमारे तहसीलदार, SDM से लेके TI, थानेदार गांव जाइए और जनता से पूछिए कोई कमी तो नहीं है। जो मिलना चाहिए वो सबको मिल रहा कि नहीं मिल रहा? और जिन्हें नहीं मिल रहा आज नाम बताओ, आज ही सिर सिक्का धरे हम। आयुष्मान कार्ड किसी का नहीं है तो आप बताइए, नाम लिखा जाएगा, 2 दिन बाद आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। पेंशन जिनको मिलना थी मिलेगी, जिनके शौचालय नहीं बने थे हमने मंजूर कर दिए। ये राम राज है, राम राज। राम राज क्या था? सब रामायण पढ़ते हनुमान जी सरकार के मंदिर में, दई है के दैव के बहुत के तापा, और राम राज नहीं का हुए व्यापा, यह राम राज। आपको कहना नहीं पड़ रहा है,
कहना नहीं पड़ रहा आपके काम हो रहे, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान भगवान के अवतार हैं इस पृथ्वी पर, इस बात को हल्के में ना लिया जाए। भगवान राम का मंदिर 550 साल नहीं बना, हम सब गवाह हैं कि नहीं है? मुसलमानों ने हमारे देश को कुचला, हमारे मंदिरों को तोड़ा, बाबर मस्जिद बना दी पर हम कह नहीं पाए। देश आजाद हुआ, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, मंदिर की बात की बता दो, मंदिरों की पुताई नहीं हुई, पुताई जैसे मोदी जी बैठे भाजपा की सरकार बनी वहां से लेके दिल्ली तक भगवान राम लला का मंदिर बन रहा है 15,000 करोड़ का। काशी विश्वनाथ जाइए, ऐसा लगता है कि भगवान शिव कैलाश से उतरकर बाबा विश्वनाथ बनकर काली काशी जी बनारस में साक्षात बैठे। उज्जैन जाइए, उज्जैन जाइए, महाकाल का मंदिर बन रहा है 1,000 करोड़ का। इतने गोविंद राजपूत और हम एक एक गांव के मंदिर, मड़िया शनिदेव हो, हनुमान जी सरकार हो, रामचंद्र जी हो, कारस देव हो, त्रिकादेव हो, दरोई बब्बा हो, उस नेंग में हमने लिए 2,000 करोड़ और एक एक गांव में माताओं बहनों को घर घर टोंटी लगाकर पानी देने वाले गोविंद सिंह राजपूत। तुम्हें कहने ही नहीं है, तुम तो सोचो, तुम जो सोचोगे नहीं वो हम करके देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी गोविंद सिंह राजपूत हमारा पल्ला। अबे बोल करा तुम क्यों भाई, एक पहल करा तो पिछली साल और करा तत्काल ही में दो भाई कहने। अब कहीं कमी नहीं है, हम 1.25 साल मंत्री रहे कांग्रेस की, 1.25 साल में 1.25 लाख नहीं मिल पाओ हमें, हम का मूर्खा है कि बनी मिलाई सरकार गिरा के तैयार गई थी। जैसे ही तैयार सो 15,000 करोड़ की आप देख लो, हर गांव पूछ लिए, जो रोड वो रोड, जो तला वो तला, जो आवास 300 आवास ले पाए जब कांग्रेस में थी, अब हम ले आए 19,000 आवास। तो सब ला तो तुम्हें ही रह रहे। अब जब चुनाव हो थे बोले भैया हमारी तो नहीं बन रही, बोले का है? हम तो बोले उनसे नाराज। अब बता मंदर शान है आपने नहीं, तुम्हारी नाराजगी सरपंच से है, इनसे है, इनसे जो चुनाव लड़ने से पर भंजा लीजिए। अब ये 2 सरपंच लड़े, हमने कहीं कोई से वोट दे देगी? बताओ छह ईमानदारी, तुम्हारा निर्णय तुमने 2 बार उन्हें बनाओ किया, इनको बना दो, जो अच्छो काम करो बना तो रही, पर हम तो लाभ हर व्यक्ति दे रहे नहीं दे रहे, बोलो भाई। तो हम जा ऐसा कर सके, तुम्हारे चाहो तो मोदी जी तुम्हारी रीति आ अगली बार शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर बनवा दें, कहाँ है वह जोहरिया में चलने, बोले काय, बोले होते 100% वोटें भाजपा को मिली, वो तुम्हारे हाथ में, जब मुख्यमंत्री आए प्रधानमंत्री आए तो जाने का दे जे। परसोत्तम जी हैं क्या, आ जाइए जे, संभाल के रखना ये 5 लाख रुपए का चेक है तुम्हारे हाथ में। जो कौन किया? मनोज परसोत्तम लो दादा, रामशंकर प्रताप है क्या, मुकेश है, काय सच्चे मुकेश, आ जाइए खिलान सुमेर सिंह खिलान जी। अब ऐसे कोई हो जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आना चाहती हो तो आ जाओ, उनको स्वागत करना है, आ जाओ, अब आना चाहिए बिल्कुल। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।